हरियाणा में कोरोना फिर तेजी से बढ़ने लगा है। लगातार बढ़ते संक्रमण के चलते प्रदेश में संक्रमित मरीजों का ग्राफ 100 के पार पहुंच गया है। रोजाना औसतन 25 से 30 नए संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। वर्तमान में गुरुग्राम और फरीदाबाद में सर्वाधिक मरीज संक्रमित पाए गए हैं। पूर्व में कोरोना की तीन लहरों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे इन्हीं जिलों में जोर पकड़ा था। पिछले 10 दिनों की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में 178 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं साप्ताहिक संक्रमण दर के मामले में पंचकुला 9.76% के साथ पहले नंबर पर और फतेहाबाद 8.33% के साथ दूसरे नंबर पर है। चिंताजनक बात यह है कि हरियाणा प्रदेश में 48,36,859 लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए दूसरा टीका अभी तक नहीं लगवाया है। सतर्कता डोज भी सिर्फ 20 लाख लोगों ने ही ली है। टीकाकरण के लिए अब नामात्र लोग ही आगे आ रहे हैं। वहीं संक्रमण का खतरा बढ़ने के बावजूद सैंपलिंग की दर धीमी रफ्तार से चल रही है। स्थिति को देखते हुए गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के समय में जो सेवाएं शुरू की गई थी उनकी फिर से समीक्षा की जाए। महामारी से निपटने के लिए पहले ही पूरी तैयारी करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि अभी इतनी गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन यदि लापरवाही बरती गई तो ये स्थिति भयानक भी हो सकती है। बात पूरे भारत की करें तो कोरोना संक्रमण के 1,249 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,927 हो गई है। केंद्रीय व स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कर्नाटक और गुजरात में कोरोना से एक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,818 हो चुकी है। हरियाणा में देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ना चिंताजनक है, लेकिन सरकार की हिदायतों के बाद भी आमजन का जागरूक ना होना लापरवाही को दर्शाता है। यदि इस लापरवाही का आंचल लोगों ने नहीं छोड़ा तो एक बार फिर मौत का मंजर देखने को मिल सकता है। ऐसे में सच कहूं भी आपसे हाथ जोड़कर अपील करता है कि स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों की पालना करें। बाहर या भीड़ वाले स्थान पर जाते समय नियमित मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। इसके साथ ही सब्जियों और फलों को गुनगुने पानी में धोकर ही इस्तेमाल करें। हम अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहते हैं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें, और अपने कमेंट हमें जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।